में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाइए और साथ ही मेरठ मित्र चैनल एनटीवी लाइव वेब न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। नवेद खान, आप देख रहे हैं मेरे मित्र चैनल एनटीवी लाइव वेब न्यूज। हर खबर पर नजर, खास खबर आपको दिखाने जा रहे हैं मेरठ से। इस वक्त की बड़ी खबर, आकाश हत्याकांड में बवाल के बाद पुलिस की कार्रवाई तेज हो गई है। गुरुवार को पुलिस ने कोर्ट से हत्यारोपित डॉक्टर के घर की कुर्की का आदेश करा लिया था और आज यानी शुक्रवार को डॉक्टर की संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई पुलिस द्वारा की जा रही है। तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं, ताबड़तोड़ दबिश डालने के बाद भी डॉक्टर और उसका परिवार पकड़ से दूर बना हुआ है। परिवार के लोगों ने आवास पर एसएसपी से मिलकर आरोपी को गिरफ्तारी की मांग की है। आपको बता दें, डॉक्टर के अधिवक्ता की तरफ से डाली गई सरेंडर की अर्जी को भी कोर्ट ने निरस्त कर दिया है। 11 जनवरी को रिठानी निवासी ऋषिपाल के बेटे आकाश की पड़ोसी डॉक्टर प्रदीप ने परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर डंडों से पिटाई कर दी थी। उसके शरीर में 56 फ्रैक्चर आए थे, जिसके चलते 17 दिन बाद आकाश ने दम तोड़ दिया था। गुरुवार को एसएसपी के आदेश पर एसओ सतीश कुमार ने डॉक्टर के घर की कुर्की कराने के लिए कोर्ट में अर्जी लगाई थी और अदालत ने अर्जी मंजूर करते हुए कुर्की के आदेश दिए और डॉक्टर के घर की कुर्की की कार्यवाही अमल में लाई जा रही है उधर पीड़ित परिवार ने एसएसपी से हत्यारोपी डॉक्टर को गिरफ्तार करने की मांग की है। मेरठ मित्र चैनल एनटीवी लाइव वेब न्यूज़ से नवीद खान की रिपोर्ट। सर, ये रिठानी में जो कुर्की की जा रही है, क्या है पूरा मामला? आकाश हत्याकांड का मुख्य अभियुक्त डॉक्टर प्रदीप है, उसकी पत्नी है, इनकी अरेस्टिंग अभी तक नहीं हो पाई है। माननीय न्यायालय के आदेश से 83 का आदेश प्राप्त किया गया कल और आज उस आदेश के अनुपालन में इनके घर की कुर्की की गई। सर, इसमें अगली कार्रवाई क्या होगी? इसके बाद इनके खिलाफ चार्जशीट लगेगी और माननीय न्यायालय से पुनः इनाम हो सकता है कार्रवाई की। खबर राजनीति से जुड़ी हो या मुद्दा हो आम जनता का, खबर क्राइम की हो या खबर हो आपके शहर की, आपके प्रदेश की या फिर आपके देश की, या फिर बात हो एंटरटेनमेंट की, हम उठाएंगे आपकी समस्याओं को आपकी आवाज बनकर। मैं हूं नवेद खान। खबरों में अपडेट रहने के लिए मेरठ मित्र चैनल एनटीवी लाइव वेब न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए और पढ़ते रहिए समाचार पत्र मेरठ मित्र।